हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर, जहां पे आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वालों के लिए, और जो गोल्डन अटेम्प्ट दे रहे हैं हमारे मैथ्स टू का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कंफर्म टॉपिक्स जो आपकी पेपर में डैम श्योर दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ स्पेशली फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। सारे टॉपिक्स बताऊंगा, कम से कम 50 मार्क का पेपर तो आपको अभी बता दूंगा। कौन सा 50 मार्क का पेपर अभी बता दूंगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई पेपर वेपर लीक नहीं कर रहे, ये हमारी एनालिटिक्स और हमारी एक्सपीरियंस की बेस पे, उसके बलबूते पर ये सारे टॉपिक्स आपको बता रहे होंगे। उसके साथ साथ जनाब, उसके साथ साथ आपको बस एक ही चीज करनी है हमारे लिए, फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक ठोक देनी है अपनी कॉलेज के ग्रुप में, इसको शेयर कंफर्म करना है। क्योंकि भाई साहब, एग्जाम के दिन जब भी आप अपनी फ्रेंड को हेल्प करते हो ना, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। राइट जी, फटाफट से शेयर करिए, और वो लाल वाला जो बटन है ना, उस पे कुछ भी फेंक के मारिए, पेन फेंक के मारिए, पेंसिल फेंक के मारिए, नोटबुक फेंक के मारिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके जी, शुरू कर रहे हैं कंफर्म वाले टॉपिक। कमॉन 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 एवरीबॉडी, आई वांट यो इन द कमेंट सेक्शन। यो के बिना शुरू ही नहीं करूंगा, कमॉन कमॉन। यो के साथ साथ शुरू करने जा रहे हैं हमारे कंफर्म वाले टॉपिक्स। शुरुआत करते हैं, सारा सब कुछ विथ वेटेज सब लिख कर लाया हूं, और ये आगे आने वाले 2 से 3 दिन में सारे टॉपिक्स अपने चैनल के ऊपर आपको मिल रहे होंगे। ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है अपने चैनल के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में है ना, सब लोग की लिंक दी गई है ना, सब लोग की लिंक दी गई है, जाइए उसको देखिए, उस प्लेलिस्ट को ढंग तरीके से पढ़िए, मजा आ जाएगा, बाबा जी की कृपा हो जाएगी। शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक है डैम श्योर, हजारनी 500 टक्का, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भाई साहब, 8 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन है अपने चैनल के ऊपर, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाइए देखिए, तोड़िए फोड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, अपने ऐप के अंदर आ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, ऐप में बेहतरीन सिर्फ 499 में पूरा मैथ्स 2 कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, 499 मतलब 500 रुपए में पूरा मैथ्स 2, सारे टॉपिक के वीडियोस, सारा सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ उस ऐप के अंदर आपको मिल रहा होगा। उसके साथ साथ सेकेंड टॉपिक है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। सर पहला टॉपिक कहाँ पे मिलेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको मिल रहा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का आखिरी पार्ट है ना, आखिरी पार्ट है, होपफुली यू रिमेम्बर, यू निकालते हैं। चलिए उसके साथ साथ थोड़ा बता देता हूँ फटाफट से कैसे करने का है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, क्या क्या करते रहते हैं इसके अंदर हम लोग, फटाफट से मैं बता के रखता हूं। हम सबसे पहले निकालते हैं सी एफ है ना, सी एफ को हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू है ना C1 Y1 + C2 Y2, तो यहाँ से आपको मिलता है Y1 एंड Y2, ठीक है, Y1 एंड Y2 आपको मिल रहा होगा। सेकेंड स्टेप आपकी होगी W निकालो, W W मतलब क्या होता है, Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश, यहाँ से W निकालते हैं। थर्ड स्टेप होती है हमारा यू ढूंढना है ना, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है आपके पास इसको लिख लीजिए, यू ढूंढना, माइनस ऑफ Y2 है ना X/W और यहाँ पे dx, x मतलब आपकी RHS होगी, आपका जो गिवन क्वेश्चन होगा उसकी RHS होगी, ठीक है। v माने आपका यहाँ पे होगा Y1 X/W एज इट इज, यहाँ से यू और वी मिल गया। लास्ट में आपको करना है PI इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू UY1 + VY2, Y1 Y2 ऑलरेडी हमें पता है, U और V आपने यहाँ से ढूंढ लिया। सर W क्यों ढूंढा, अपने डिनोमिनेटर में उसकी जरूरत होती है इसलिए। एंड फाइनल क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब CF + PI वाली कहानी। अगर इसका पूरा सम्स को सॉल्व करना है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट से, इसका एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्चुअल बहुत सारे सम्स को सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। बढ़ते आगे,
बढ़ते आगे, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। भाई साहब चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन 8 और 6 मैंने लिखा है, दो क्वेश्चन कंफर्म आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 8 मार्क को जो सवाल होता है यूजुअली उसमें 2 स्ट्रिप वाला सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन 6 मार्क का सवाल आप इजिली क्रैक कर सकते हो। सारा सब कुछ, बहुत सारे सवाल इसके मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के दिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसके साथ साथ इस साल के लिए भी वन शॉट रिविजन हमने ले लिया है, उस वन शॉट रिविजन को भी देखिए, उसमें आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जरूर नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएट। पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली सीन होती क्या है, मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली सीन होती क्या है, ठीक है, यहां पे बता के रखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन सब के लिए है ना डायग्राम की जरूरत होती है। सर एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना है क्या? भाई साहब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, खतरनाक वाला डायग्राम ड्रॉ करना है तभी मजा आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ चलिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ डीएक्स डीवाई मतलब होता है आर डी आर डी थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। आपको कार्टेशियन में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, डायग्राम को देखना है, समझ रहे हो, डायग्राम को देखना है तभी आएगा असली मजा, समझ रहे हो, तभी आएगा असली मजा। ओके जी, ओके ओके ओके, तो ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क का, 8 मार्क का क्वेश्चन है भाई साहब। कितने का पेपर अभी तक हो गया? 8, 8, 16, 8, 24, 24 और 6, 30 मार्क का पेपर खत्म, खत्म, 30 मार्क का पेपर, बाबा जी बता दिया आपने अभी तक। नेक्स्ट जा रहा हूं, DUIS, DUIS बताना चाहता हूं, बताना चाहता हूँ DUIS की कहानी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेप्स क्या क्या है, कैसे उसको सोल्व करना होता है। DUIS एक ही सवाल आता है पूरे पेपर में, एक ही सवाल, 6 मार्क कंफर्म, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई पड़ेगा, बोल दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। पेपर पैटर्न का एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर आने वाला है, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। DUIS डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करने का क्या स्टेप नंबर 1, बहुत ध्यान से, कम ऑन, पूरी स्पीड के साथ चलूंगा आज, DUIS पूरी स्पीड के साथ चलूंगा। सबसे पहले रूल, रूल ऑफ DUIS क्या था रूल हमारा, DI/DA, ए माने क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B, ये ए और बी क्या है, हमारे लिमिट्स है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कम ऑन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, डेबा एफ बाय डेबा ए इंटू DX, समझ रहे मेरी बात को? तो जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डिफरेंशिएट F विथ रिस्पेक्ट टू A पार्शियली, ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद वाली स्टेप होती है इंटीग्रेट, ठीक है ना, इंटीग्रेट, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, DI/DA मिल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ X मिलेगा या A मिलेगा, और उसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट, ठीक है ना, वापस से अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि आपको क्या मिले, आई ऑफ ए मिले, आई ऑफ ए, और उसके बाद आपको टू कैलकुलेट सी, है ना, टू कैलकुलेट सी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ए को 0, ए को बी, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो पुट ए इज इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन में दिया है ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ दिया है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, तो उस समय पे क्या करना है, पुट ए इज इक्वल टू बी करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है मुझे, समझ रहे हो? तो ये असली प्रोसीजर है हमारे पूरे के पूरे DUIS की।
बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर कवर किया अपने ऐप के अंदर। जाइए, बहुत तोड़फोड़ वाले न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व कराए, आएगा तो उसमें से ही आएगा वरना नहीं आएगा। ठोक के बोल रहा हूं, आएगा तो उसी में से आएगा वरना नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई साहब, ये सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, कंपेयर विथ किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के साथ। तो यहां से मिल रहा होगा m, यहां से मिल रहा होगा n। उसके बाद हम करते हैं डेबा m बाय डेबा y निकालते हैं, यहाँ से डेबा n बाय डेबा x निकालते हैं। ठीक है, इफ डेबा m बाय डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाय डेबा x, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और वो एग्जैक्ट होने के बाद हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री, हाँ जी, फ्री फ्रॉम एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू डी वाई विच इज इक्वल टू सी। ये है पूरी कहानी, आपको एक्चुअल में निकालना होता है जनरल सोल्यूशन, और वो सब कुछ एग्जैक्ट होने के बाद ही मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 5 मार्क का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाई पड़ेगा डैम श्योर, और उसके लिए वो एग्जैक्ट ही वाला आएगा। बहुत सारे उसके भी सवाल हमने सॉल्व करा के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लोग की प्लेलिस्ट है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बाबा जी का दरबार पूरा खुला पड़ा है, खुली आसमां की तरह, जाइए पढ़िए, हर बच्चा पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग मैथ्स में फेल नहीं होगा, हर बच्चा यहाँ पे आकर पास होगा। ठीक है, उसके बाद होता है बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन। बेसिक बोलेगा तो लिमिट्स दिए रहेंगे आपको, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो एक्स से करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा तो वाई से करो, विद रिस्पेक्ट टू जेड रहेगा तो जेड से करो, सिमिलरली मिडल वाला, सिमिलरली एक्सटर्नल वाला। उस हिसाब से बेसिक इंटीग्रेशन के सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाई पड़ेंगे 5 मार्क के लिए। पेपर पैटर्न पूरा बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये कंफर्म वाले टॉपिक से पढ़ाई को शुरू करो, किसका है इंतजार। ओके जी, नेक्स्ट बेसिक सीएफ और पीआई। कभी कभार क्या होता है ना, सिर्फ सीएफ ढूंढने के लिए एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार सीएफ के साथ साथ पीआई भी ढूंढने के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब ये सीएफ और पीआई का जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सीएफ और पीआई के लिए आइडेंटिफाई कैसे करने का, सीएफ एंड पीआई के लिए आइडेंटिफाई कैसे करने का। ठीक है ना, अगर आपका क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 ऐसा सब कुछ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इज इक्वल टू जीरो है, अगर आपकी आरएचएस जीरो है ना, इफ आरएचएस इज इक्वल टू जीरो देन देन कैलकुलेट सीएफ ओनली। ओके, आपको सिर्फ सीएफ ढूंढना है अगर आपकी आरएचएस जीरो है तो। अगर आरएचएस एक्सपोनेंशियल है तो टाइप नंबर 1, अगर आरएचएस साइन कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो टाइप नंबर 2, और आरएचएस एक्स के फॉर्म में है, एल्जेब्रिक है, तो टाइप नंबर 3। हमारे पीआई का, पीआई के लिए भी पहले सीएफ ढूंढना जरूरी होता है, सीएफ के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर ये चैप्टर की रिवीजन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कम ऑन एवरीबडी, आई वांट यू इन द कमेंट बॉक्स। तब तक नहीं शुरू करूंगा, शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेसिक सीएफ पीआई हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का भी 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। हाँ, बता दिया बता दिया बता दिया, मत करो इंतजार, जब बाबा जी बांट रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा प्यार, क्या बात है क्या बात है। नेक्स्ट एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, मतलब पीआई का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए। क्या होता है टाइप नंबर 4, क्या होता है टाइप नंबर 5, देखो
एक्सपोनेंशियल के साथ साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो एक्सपोनेंशियल को पहले लिखा जाता है ना, वो वाला टाइप, दैट इज टाइप नंबर फोर। और फिफ्थ टाइप इज एक्स इंटू वी। एक्स इंटू वी मतलब क्या, एल्जेब्रिक के साथ साथ कोई और फंक्शन आता है तो हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। डू यू रिमेम्बर, एक्स माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल, आपको अगर उसकी रिविजन चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 दिन में सब कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, बस मुझे कमेंट चाहिए होगी, ठीक है जी। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी लिस्ट के अनुसार डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इसके इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, लेकिन ये पक्का दिखेंगे, ये पक्का दिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ ओ एफ डी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। डेबा एम बाई डेबा वाई माइनस डेबा एन बाई डेबा एक्स अपॉन एन, विच शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, वो वाले सवाल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे 6 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 6 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन है। पेपर को गिन लेते हैं, 8 8 8 8, 32 हो गया, ठीक है। 32 प्लस ये 12, 44 हो गया, प्लस ये 15, कितना हो गया, कमान 44 प्लस 15, 59 प्लस ये 6, भाई साहब 65 मार्क का पेपर मैंने आपको बता के रखा है और ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, कितना बोला, 2 4 5, हमें वही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे 15 मार्क का बोनस बता के रखा है। कैसा होगा हमारा पेपर पैटर्न, किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ पे जाके बैठेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, सब कुछ बताऊंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आपको बस एक चीज करनी है, लाइक ठोकनी है और शेयर करनी है अपनी सारे दोस्तों के साथ। मिल रहे होंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।